everyone. So how are you? I hope you are well and safe. तो guys आप मेरे nails को देख सकते हैं कितने बेकार लग रहे हैं ये दोनों, क्योंकि guys मैंने इस पर nail paint पोत के तक गंदा कर दिया ना, क्या ही बताऊँ। तो guys आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना nail stuff का box, like nail stuff का। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एंड गाइस उससे पहले, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, अगर आपने मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम व्यू किया है तो जल्दी से जाइए एंड वेट मत कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, लाइक कर दीजिए वीडियोस को एंड शेयर कर दीजिए अपने ऑल फ्रेंड्स के साथ, जितने भी लोगों को मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं। तो गाइस अब हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं एंड मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे बॉक्स में जो नेल स्टफ़ का बॉक्स है उसमें मैं आपको अपने मतलब दिखाने वाली हूँ कि मैंने उसमें क्या क्या सामान रख रखा है नेल का। एंड एक तो लाइक मेरे फेस के लिए भी है, लाइक मेरे लिप्स के लिए एक चीज़ रखी हुई है, लाइक लिप ग्लॉस मैंने रख रखी है, होममेड लिप ग्लॉस। तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो मेरे को जल्दी से जाइए एंड कमेंट कर दीजिए एंड इसमें जो भी सामान होगा वो प्लीज़ मेरे को कमेंट कर दीजिएगा। काफ़ी सारा सामान होममेड है, मतलब थोड़ा बहुत सामान होममेड है, तो अगर आपको वो चाहिए लाइक होममेड वीडियो चाहिए तो मैं जल्दी से आपके लिए लाऊंगी, प्लीज़ मेरे को कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट एनी मोर डिले। तो गाइज मैं अपना बॉक्स आपको दिखा देती हूँ। तो गाइज़ ये मेरा एक स्लाइम का बॉक्स था जो कि जिसमें से जो सामान था वो काफ़ी सारा गायब हो गया था एंड काफ़ी सारा ख़त्म भी हो गया था, मतलब ज़्यादातर तो सामान जो है ख़त्म हो गए थे। तो मैंने सोचा कि ये क्यों ना मैं नेल स्टफ़ के लिए रख लूँ, जैसे कि मैं अपना सारा का सारा नेल स्टफ़ का सामान जो है, लाइक जो जितना भी नेल स्टफ़ है उन सबको मैं इसके अंदर रख दूँ एंड इस पर एक पेपर चिपका दूँ जिसमें मैं लिखूँ नेल स्टफ़ बॉक्स। तो इसमें मैंने बॉक्स तो नहीं लिख रखा है लेकिन मैंने इस पर नेल स्टफ़ ज़रूर लिख रखा है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, देखिए नेल स्टफ। एंड अब चलिए इसको ओपन कर लेते हैं जल्दी से। तो गाइज़ मैं इसको जल्दी से ओपन कर लेती हूँ। गाइज़ मेरे को बार बार ही वीडियो को कट इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि गाइज़ मैं ना लीड से बोल रही हूँ, लीड का जो स्पीकर होता है ना उससे बोल रही हूँ, तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है मेरे को इसीलिए। तो चलिए अब मैं सामान को आपको एक एक करके दिखा देती हूँ। तो गाइज़ जो मेरा फर्स्ट सामान है वो है ये रिमूवर जो कि ऑलमोस्ट एम्प्टी, मतलब सॉरी गाइज मैंने जानबूझ के नहीं बोला, गलती से मुंह से निकल गया, मेरे को सारा बोलना था बट मुंह से मेरे गलती से गाली निकल गई, सॉरी गाइज, रियली सॉरी। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने लिया है रिमूवर, मतलब मैंने सैनिटाइज़र इसके अंदर रख रखा है थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, क्योंकि गाइज मेरा सारा का सारा सैनिटाइज़र फिर वेस्ट हो जाएगा, तो इसीलिए मेरा सारा का सारा जो रिमूवर था वो सब कुछ एम्प्टी हो गया था, पूरा का पूरा एम्प्टी हो गया था। तो मैंने सोचा कि ये हैक मैं पहले ट्राई करूँगी कि मैं सिर्फ एक सैनिटाइज़र से एंड कॉटन से मैं कैसे अपनी नेल पेंट को रिमूव कर सकती हूँ, एंड वो रियली बहुत अच्छे तरीके से वर्क हुआ। मैंने कहा ये वाली नेल पेंट रिमूव की थी, ये वाली तो नहीं, इससे पहले बहुत गंदी तरीके से ऐसी इस तरीके से लगी हुई थी मेरे नेल्स पे, पर मैंने जब इसको ट्राई किया ना तो गाइज ये जो है, अरे यार ये एक तो नोटिफिकेशन की साउंड इतनी तेज़ आई मेरे कान में चुभ गई। तो गाइज ये मैंने वर्क किया था तो मैंने इसके अंदर रख दिया था एंड ये इसलिए मैंने थोड़ा सा स्टोर करके इसको रख रखा है। तो नेक्स्ट जो चीज़ है ना मेरी इस बॉक्स में वो है ये ट्वीज़र, ये मैंने अपने पील ऑफ नेल पेंट हैक में यूज़ किया था अगर आपको याद हो तो, क्योंकि गाइज ट्वीज़र ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, बहुत ज़्यादा, लाइक किसी भी चीज़ को लाइक स्पॉन्ज है नेल आर्ट के लिए उसको पकड़ने में हेल्प आता है, कॉटन होती है उसको पकड़ने में हेल्प करता है ये, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये, आईब्रोज के लिए भी होता है, सॉरी आई लैशेज़ के लिए, फेक आई लैशेज़ के लिए ये बहुत हेल्पफुल होता है। तो मैं नेक्स्ट चीज़ जो आपको दिखाने चाहती हूँ वो है ये होममेड बेस कोट। तो गाइज़ मैंने इतना बड़ा ब्रश इसलिए लगा रखा है क्योंकि गाइज़ ये मैंने एक और दूसरी नेल पेंट का जो वर्क नहीं कर रही थी अच्छी तरीके से, थोड़ा थोड़ा ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई थी वो, तो वो मतलब बिल्कुल ख़राब ही होने वाली थी, तो इसलिए मैंने उसका ब्रश लिया बिल्कुल क्लीन करके
एंड इसमें मैंने अपना होममेड बेस कोट बना रखा है। एंड इसका जो ब्रश था ना बहुत छोटा सा था, पर वो उसका पता नहीं गायब हो गया, ऐसी रखी हुई थी ये बॉटल। तो मैंने सोचा कि एक बेस कोट बना के इसके अंदर रख दूँ, क्योंकि गाइस जो बेस कोट होता है ना वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, बहुत ज़्यादा नेल पेंट्स के लिए एंड अपने नेल केयर के लिए। तो इसलिए मैंने ये सब किया। एंड अगर आपको होममेड बेस कोट या फिर ट्रांसपेरेंट नेल पेंट जो भी आप कहते हो वो भी अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए तो जल्दी से जाके मेरे को कमेंट कर दीजिए। फिर है ये होममेड वाइट नेल पेंट जो कि बिल्कुल ख़त्म हो गई है दिखने में। गाइस ये मैंने ना एक जो ना मतलब ख़राब सी बॉटल थी नेल पेंट की, उसको मैंने इसको रिफिल कर दिया था मैंने वाइट नेल पेंट से। ये भी होममेड है। एंड फिर यह है ये भी सेम है, इसकी जो नेल पेंट थी अंदर से हार्ड हो गई थी तो मैंने इसमें येल्लो कलर की नेल पेंट बनाई। देन फिर मैंने ये मेरा एक और बेस कोट था, बट मैंने जिसका बेस कोट था वो इसके अंदर जो है ट्रांसफ़र कर दिया था। ये है मेरी होममेड लिप बाम लिप ग्लॉस, बट मैंने ना इसको भी ट्रांसफ़र कर दिया था एक लिप बॉटल में, लाइक लिपस्टिक की जो एम्प्टी बॉटल होती है उसमें मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया था। तो बहुत प्रिटी कलर आया। मैंने इस पर सिंदूर ऐड कर रखा था, क्योंकि गाइस मेरे पास ना कोई भी लाइक भाई आ गया। गाइस थोड़ी सी आवाज़ होगी, सामान भी छेड़ देगा, गाइस जल्द से डिब्बा बंद करना पड़ेगा, परेशान गाइस परेशान करने वापस आ गया। तो ये देखो क्या है तेरे को, देखना गाइस। ओ नहीं 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 नहीं, ओए भैया मेरे लिप ग्लॉस कितना प्यारा है, हमेशा मेरी वीडियो में आ जाता, पता नहीं क्या है इसको भी। अपनी नाक क्यों खुजाला है, देखो गाइस मेरे डिब्बे पे क्या कर रहा है ऐसे, देखो देखो डमरू है क्या ये, ओए क्या है, देखो 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 इतना शैतान बच्चा नहीं है, इस दुनिया में कोई होगा नहीं इतना शैतान। देखो गाइस ये पूरा नाम नेल स्टफ। अरे यार मेरे को आई थिंक सो नीचे बैठ कर ही अब वीडियो बनानी पड़ेगी पापा की हेल्प से। चलो गाइज नीचे बैठ जाते हैं, अब पापा की हेल्प लेते थोड़ा कैमरामैन के जैसे। तो गाइज अभी भाई थोड़ा शांत हो जाएगा क्योंकि वो पराठा खा रहा है। तो चलिए बॉक्स को खोल लेते हैं। तो गाइज चलो आगे बढ़ लेते हैं। एंड ये एक और मेरी होममेड ग्रीन कलर की नेल पेंट है जो थोड़ी सी गाढ़ी हो चुकी है, ये देख लो थोड़ी गाढ़ी हो गई है। एंड इसका ब्रश भी बहुत ज़्यादा स्मूथ है एंड बहुत अच्छा है। तो अभी ये नेल पेंट कलेक्शन मैं आपको बाद में दिखा दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। देन मेरे पास ये कुछ मेकअप वाले मिरर्स हैं। तो गाइज यहाँ पर तो गाइज थर्ड टाइम बोल रही हूँ, तो गाइज सॉरी सेकंड टाइम। ये मेरे फेक नेल्स हैं जिस डिब्बे को मैंने थोड़ा सा डेकोरेट कर रखा है वाइट एंड रेड नेल पेंट से। तो गाइज लास्ट थिंग मैं आपको दिखा रही हूँ, एक सेकंड सॉरी, जो कि है ये पॉलीथिन्स, लाइक जैसे जो कॉटन्स होते हैं और स्पॉन्ज है नेल आर्ट के लिए, वो उसमें हम वेस्ट करने के लिए लाइक वेस्ट जब उतारते हैं तो हम इसके अंदर रख सकते हैं। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर आपको इनमें से कोई भी होममेड चीज़ की वीडियो चाहिए तो जल्दी से जाके मेरे को कमेंट कर दीजिएगा। सो बाय।